गाइस हाय, वेलकम बैक इन UandI ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपका होस्ट आलोक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं मैं किया सेल्टोस में 7D मैट के बारे में। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग SUV या कार है, या फिर आप फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हो गाड़ी लेने के लिए, तो आपके लिए कौन सी मैट सही रहेगी, क्या आपने सोचा है? आज के वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा मैं नॉर्मल मैट एंड 7D मैट के बीच का डिफरेंस। इससे पहले आपको मैं बताना स्टार्ट करूं, अगर आपने UandI ऑटोमोबाइल्स के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यहां पे आपको ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप्स देता रहता हूं जो आपकी हेल्प करते हैं बेहतर गाड़ी को डिसाइड करने में, कार को मेंटेन करने में एंड कार को स्मूथली चलाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है हमारी 7D मैट जो मैंने लगाई है अपने किया सेल्टोस के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें सेल्टोस लिखा भी हुआ है। इसमें खास बात क्या होता है कि ये सारे एडजेस को कवर कर लेता है गाड़ी के आपके। आप देख पा रहे हो, कोना तक पूरा इसमें कवर कर लिया है। और जब आप इसमें बैठेंगे, गंदा होगा मैट आपका, तो आपको केवल यहाँ पे स्क्रू ढीले करने हैं वाले। इसमें नॉट्स बने हुए हैं, इन्हें खाली करके आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं इसको। नीचे का जो हिस्सा है, इसको आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसे गीले कपड़े से वाइप कर लीजिए, काफ़ी है। ये मैट आप कैसे लग जाएगा, दोबारा इसको दोबारा घुमा देना है ताकि ये निकले ना। ये देखिए, और आपको पीछे वाला मैट भी दिखा देता हूँ मैं। ये आपके पीछे की फिनिशिंग रहेगी, यहाँ तक ये पूरा कवर हो जाता है। ये देखिए, ये पूरा हटने के लिए ऐसे बना हुआ है, इसमें ये लगा हुआ है वेलवेट टाइप का, ताकि ये आपका फिक्स हो जाए। ये पूरा आगे तक ये कवर करता है आपका। ये देखिए, अंदर तक पूरा गया हुआ है। यहाँ पे दोबारा वैसे आपको स्क्रू टाइप के दिए हुए हैं ऑप्शन। जब मैट आपका गंदा होगा, आपको इसको निकाल कर घुमा करके ऐसे निकालना है ये, और ये बाहर आ जाएगा आपका। इसे आप झाड़ सकते हैं बाहर। बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट्स को आप, ये जो आपका दूसरा नीचे का मैट है, इसको आपको केवल गीले कपड़े से पोंछ देना है, काफ़ी है। पूरा मैट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि देखिए, ये 7D जो मैट है आपका, लगाने के बाद ये पूरी गाड़ी को कवर कर रहा है। ये बीच में भी है, ये कुशन टाइप का दिया हुआ है, ये नहीं निकलेगा आपका, ये ऐसे फिक्स है परमानेंट। बट ये आप हटा सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं गंदा होने पे एंड साफ कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ नॉर्मल मैट कैसी थी। ये मेरी सेल्टोस की नॉर्मल मैट है, प्राइस आपको बताऊंगा मैं अभी। ये 5 मैट्स मेरी एकदम बेकार हो गई, बिकॉज अब जब 7D मैट लगवा लिया है तो मुझे ऐसा काम नहीं है, ये ऐसे ही रखी रह जाएंगी, काम पड़ा ही नहीं इसका मुझे कुछ, बिकॉज मैंने 7D मैट लगवाया तो बेकार हो गया। अब वो इस और से भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये आपका मैट, ये आपकी है, ये बीच में बैठ जाएगा ऐसे। अभी एक हफ्ते पहले लगाया है तो थोड़ा सा इतना ज़्यादा फिट नहीं हो पाया है, बट जितना है काफ़ी है। अकेले मैं ही ड्राइव करता हूँ गाड़ी को, तो फिर ऐसा कुछ पंगा है नहीं। पीछे ज़्यादा लोग कभी बैठते नहीं गाड़ी के अंदर, अनलेस कि अगर मैं ऑफिस वगैरह गया, कुछ कलीग्स वगैरह को मेरे को ड्रॉप करना होगा, तो अलग चीज़ हो गई। तो 7D मैट में खास बात यही है कि बीच में कुशन लगे होते हैं इस तरह के, ये जैसे आपके फुट मैट होती हैं घर की, उस तरह का। इसको आप खोल के हटा सकते हैं, झाड़ सकते हैं पूरा आपको मैट। ये पूरा सिंगल एक मैट है, अनलाइक नॉर्मल मैट जो 5 पार्ट्स में आती हैं, बीच का अलग होता है, कोने कोने का अलग, आगे का दोनों अलग। ये पूरा जो आपका रियर साइड का है, ये पूरा एक सिंगल मैट होता है। तो ये मैट हो गया आपका। आपको ड्राइवर साइड दिखा देता हूँ, ये आपका ड्राइवर साइड का मैट रहेगा ऐसा। इसमें जो आपका को ड्राइवर साइड का मैट है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट इधर आपको ये रबर लगा के भी दिया गया है। खास बात क्या है, जब गाड़ी पे आप क्लच वगैरह पैडल वगैरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका ये एड़ी टच होता है। एड़ी आपके पाँव की जब यहाँ लगती है तो घिसने के चांसेस बढ़ जाते हैं मैट के, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ये रबर लगा के दिया है, ऐसे है। तो मेरे को लगता है कि मैट अच्छी है। अब मैं प्राइस की बात करूँ, तो ये जो आपका नॉर्मल मैट था अभी जो आपको मैंने पहले दिखाया, ये वाला, ये मेरे को पड़ा था 1799 रुपीज़ अप्रॉक्स का, आपके किया के शोरूम से। जब गाड़ी को इनिशियली मैंने लिया था अक्टूबर, 6 अक्टूबर को गाड़ी निकाली है मैंने शोरूम से। 6 अक्टूबर को जब गाड़ी ली मैंने, तो मैंने ये मैट लगवाए थे, और क्योंकि इनको लगाने पे काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे, ये पूरी बॉडी को कवर नहीं करते, तो मेरे को मजबूर होकर के 7D मैट लगवाना पड़ा। 7D मैट लगाने के बाद काफ़ी खुश हूँ मैं, ये कार का कवर है। नॉर्मल मैट ये हो गए आपके, 7D मैट आपको दिखा दिया मैंने, ये आपका। तो 7D मैट आप लगवा सकते हैं अगर आपकी गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है, अगर आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर
तो बस ये कि हाँ आप कहीं यहाँ पाँव यहाँ पे आप एंडी भी रखेंगे अपनी बैठने पे या आगे पाँव फैलाएंगे तो ये गंदा नहीं होने वाला, बिकॉज ये काफ़ी आगे तक कवर करता है देखिए आप। तो इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं 70 मैट को, कि गाड़ी के सारे पार्ट्स को कवर कर रहा है। ये देखिए पूरा ही आगे तक कवर कर लेता है। बस यही खास बात है 70 मैट की, कि आपकी गाड़ी ज़्यादा गंदी नहीं होती। जो नॉर्मल मैट हैं वो केवल बीच का हिस्सा कवर करते हैं, ये एडजस्ट को छोड़ देते हैं, बट इसमें पूरे एडजस्ट भी कवर हो रहे हैं गाड़ी के आपके। तो 70 मैट के लिए आपको जाना चाहिए। जो नॉर्मल मैट हैं अगर आप गाड़ी परचेज करेंगे तो उस टाइम आपको पड़ेगी वो 1799 रुपीज़ की। ये जो मैट है आपकी ये आपको पड़ती है 4800 रुपीज़ से लेकर के 5200 रुपीज़ तक की। ये जो मैंने ली है ये किया कि शोरूम से ली है, इसलिए मेरे को ये पड़ी 5200 रुपीज़ की। एंड यही मैट अगर मैंने ऑनलाइन ली होती तो ऑनलाइन मेरे को ये मिल रही थी 4200 से लेकर के 4800 रुपये तक की। अब क्वालिटी में ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है, आप देख लीजिए आपको कहाँ से लेनी है। मैट को फिक्स करना आसान है काफ़ी, बट क्योंकि एसेसरी परचेज करने का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा किया कि वर्कशॉप से शोरूम से, तो मैंने सोचा कि 300-400 रुपये की बात है, मैं किया के शोरूम से ही इसको लेता हूँ, बिकॉज हर कोई जानता है मेरे को वहाँ पे। एंड जो गाड़ी में मैंने बाकी एसेसरीज लगवाए हैं वो शोरूम से ही लगवाए हैं। रीज़न ये है कि किया का जो शोरूम है वो आपको देता है वारंटी 6 महीने की क्रोम के ऊपर, इन सब पे स्टिचिंग वगैरह खुलने की वारंटी मिलती है आपको मैट्स वगैरह के ऊपर। तो मैं लगवा सकता था शोरूम से भी इसको, बट मैंने यही सोचा कि हाँ मेरे को शोरूम से लगवाना चाहिए, बिकॉज मेरे को वारंटी दे रहे हैं, कुछ भी खराबी वगैरह आएगी तो वो मेरे को सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट मैं 2 बार उनसे सपोर्ट ले भी चुका हूँ, साइड क्रोम गाड़ी का टूट गया था एंड उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसीलिए मैंने शोरूम को प्रेफर किया। अब अगर आप नई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप कन्फ्यूज हो मैट को लेकर के, तो मैं आपसे बोलूँगा 70 मैट के लिए जाइए, बिकॉज 70 मैट आपका जो है ये गाड़ी को सेफ रखता है, गंदा वंदा होने से बचाता है कंपेयर टू नॉर्मल मैट के। अगर धूल मिट्टी आपके शूज़ वगैरह में होगी तो वो उसमें बैठ जाती है एंड इसको आप फिर अलग से निकाल के झाड़ सकते हैं। अनलाइक आपका जो नॉर्मल मैट है रबर वाला, उसमें क्या होता है कि वो पूरी मिट्टी ऊपर नज़र आने लगती है। तो मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आ गया होगा 70 मैट एंड नॉर्मल मैट के बीच के डिफरेंस, बीच का डिफरेंस। अगर कुछ भी क्वेरी है तो मुझसे बेझिझक पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ किया कार्निवाल का इंटीरियर एक्सटीरियर एंड क्या फीचर्स हैं गाड़ी के। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।